सो गाइस, अभी प्रिया रेस्ट कर रही है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो मैंने कहा कि आप चेंज करके थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। मैंने भी चेंज कर लिया है। एंड कल हम लोगों ने एक साड़ी देखी थी, बहुत ही प्यारी साड़ी थी वो, पर कल प्रिया ने मुझे लेने नहीं दी। एंड उन्होंने कब मेरे लिए कुर्ता पजामा ले लिया मुझे पता ही नहीं चला। तो अभी मैं जा रहा हूँ न्यू मार्केट एट प्रेजेंट तुरंत, और इसमें मेरा साथ दे रही है जया। थैंक्स टू जया। तो जया यहाँ संभालेगी जब तक मैं जा रहा हूँ, और मैंने ये बोल दिया है कि जया का कुछ प्रिंट आउट वगैरह निकलवाना है तो मुझे जाना पड़ रहा है। मेरी अभी मेहंदी भी मैंने नहीं छुटाया, ऐसे ऐसे ही चलते हैं आज। तो जाकर मैं होप सो कि यार वो साड़ी मिल जाए, लेकर आते हैं, फिर देखते हैं कि आज वो पहन पा रही है कि नहीं। लेकिन एटलीस्ट ये हो जाएगा कि गिफ्ट आज का आ जाएगा, है ना। पर आज भी वो जो साड़ी पहनने वाली है ना, वो भी बहुत ही प्यारी साड़ी है, रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन में। एंड जो मेरे लिए कुर्ता उन्होंने लिया है वो भी ग्रीनिश है, तो कॉम्बिनेशन सेट हो जाएगा। पर अगर वो मिल जाती है तो वो बेस्ट। तो चलिए चलते हैं, मैं आता हूँ एंड देन फिर आपको दिखाता। तो भैया का भी कॉल आया था और वो बस आने ही वाले हैं। जल्दी आइए भैया। ये भैया आ गए। दीदी सो रही है। सो रही है? हाँ, अभी रूम में ही है, अभी रूम से आई नहीं। अच्छा हुआ। टाइम वेस्ट करते हैं। सीधे गया हूँ, दिया हूँ, फटाफट। ये पूरा ये वर्क में पूरा ब्लाउज है यार, इतना शानदार ब्लाउज है ना, बहुत सुंदर लग रही है। सरप्राइज दीदी का ये पूरा उसका इसी वर्क में पूरा ब्लाउज है, सुंदर साड़ी है ना। अब दीदी को देने जा रहे हैं, देखते हैं कैसा रिएक्शन रहता है। चलिए चलिए। आंसू बह रहा है। कितनी तबीयत डाउन लग रही है यार दीदी। जैसे कल आप ले लिए थे ना मेरे लिए, तो मैं भी आपके लिए ले लिया था। अरे यार कोई वाले बेटा, आप क्यों ला रहे थे इसीलिए मेरे लिए। कितनी ज्यादा यार तबीयत डाउन लग रही है, मेरे को फीवर है बहुत तेज। हाँ फीवर है यार। अभी साड़ी क्यों लाई थी मैंने, दिवाली के लिए लेती ना मैं, तो है। मेहंदी बिना झाड़े चला गया था मैं, देखिए रच गई ना। गाइज मैं ऐसे ही चला गया था बिना मेहंदी को निकाले, जो भी चढ़ी है गाड़ी चलाते हुए चली। थैंक यू सबके लिए लिए थे, आपे के लिए बस कुछ नहीं था, तो कहाँ तो मुझे अच्छा लगता। मेरा मन ही नहीं मान रहा था।
तो मेरी जैन से बात की, अच्छा जैन मेरे सपोर्ट के लिए चला गया। अच्छा ये भी मिली रहती है, बहुत तो वो है तो सीक्रेट्स में मिलने वाली कॉमन गर्ल, कुछ पूछ रहा हूँ तो इससे पूछ रहा हूँ। जब भी कोई सीक्रेट को करना रहता है ना, जय का प्रिंट आउट ही काम आता है। ये हाँ हमसे पीडीएफ बोले, मेरा पीडीएफ भी निकलता रहता है जब देखो। इसकी पढ़ाई भी ऐसी है ना गाइस की, प्रिंट आउट का बाहर कॉमन रहता है, कॉमन हो जाता है निकलवाते हैं। लेकिन तो मुझे लगा अभी भोपाल में पहली बार निकला है इसलिए मुझे शक भी नहीं हुआ, रीवा में होता तो मैं पक्का शक कर जाती हूँ। क्योंकि रीवा में खुद ही जाती हूँ। मैंने आज एक मिनट का भी टाइम गाइस वेस्ट नहीं किया, मैं तो मतलब इतनी फास्ट गया हूँ, इतनी फास्ट आया हूँ कि तो बस मुझे ये लगता दीदी कुछ पूछे ना मेरे से, मेरी हंसी कंट्रोल नहीं होती है। मैं इसके पास आती ही नहीं हूँ फिर जब ऐसा कुछ हो जाता है तो। देखिए हिमांशु का मतलब क्या होता है, चंद्रमा। हाँ। मैं आपको सुबह से ही दिख रहा हूँ, दिखते ही रहेगा रोज करवा चौथ। थैंक यू। मम्मी लोगों को नीचे दिखाया तो वो लोग भी खुश हो गए। सबके लिए, सबके लिए ऐसे मैं ओपन करके नहीं दिखाया हूँ, ऐसे मैंने कहा सबके लिए ली थी, उन्हीं के लिए नहीं ले पाए थे। बहुत सुंदर है, इसमें पता नहीं एक्चुअल कलर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैं पहनूंगी भैया, भैया उतने गुस्सा कहते हैं अभी साड़ी पहनेगी। साड़ी में शॉप में देखी, बहुत सुंदर लग रही है। सोचा था दिवाली में लूंगी। दिवाली में ये लेंगे, दिवाली में कुछ और लेंगे यार। परी अगर कल ले लिए होते ना तो आज शायद। भैया इधर उपाय कर रहे हैं लाइटिंग वगैरह छत में इस नाइट के लिए, एंड देखते हैं मम्मी लोग क्या कर रही है क्योंकि महक बहुत ही ज्यादा अच्छी आ रही है। मम्मी क्या बना रही, बहुत अच्छी बन रही है सब्जी, बन रही ये पुलाव के लिए सब्जी कट गई है और ये पूड़ी के लिए आटा सन गया है। वाह सब्जी भी बहुत टेस्टी लग रही है और सेवैयाँ भी बहुत अच्छी दिख रही है, लजीज। और मम्मी की मेहंदी कितनी डार्क बची हुई है। देखो मम्मी पापा कितना प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा। पापा का नाम भी लिखा है इधर साइड। ये बहुत सुंदर मेहंदी लग रही है। ये सेवैया बन गई, वही ना मुझे ऊपर तक महक आ रही थी ना। हाँ तो मेरे से वेट ही नहीं हुआ और ये मैंने बनाया रायता। ये मैंने ये बना के पहले रख दिया था इधर पुलाव के लिए, ये सारा कुछ रखा हुआ है बस है ना, पूड़ी बस और बनाना है, बाकी चीज़ें बनी गई हैं। वाह सेवैया तो बहुत टेस्टी दिख रही है और मम्मी कहाँ गई है एक कुछ काम कर रही है। तो ये सारा कुछ बन चुका है और इधर अब पूड़ियाँ भी बनने लगी हैं। आज तो बहुत ही यम्मी खाना बना, इतनी अच्छी महक आ रही है ना सच में। अरे दीदी भैया दोनों का फास्ट है, मम्मी दोनों मम्मी का फास्ट है, सबका फास्ट भी है आज। गोल गोल पूड़ी हाँ ये फूल गई।
सारी चीज़ें बन करके रेडी हो गई हैं, पूड़ियाँ भी बन गई, इधर सब्जी भी, वो सॉरी सेवैया भी बन गई एंड सब्जी चावल सारा कुछ बन गया है। अब जो पुलाव बनना है, रायता, रायता मैंने बना के पहले रख दिया था, रायता पुलाव, और पुलाव ये मम्मी बनाएंगी क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं, तो ये सारा सामान रखा हुआ है। बस मम्मी पूजा करके आ जाएं, देन वो बना के देंगी, बस सारा कुछ बन गया। यस, आज तो बहुत मज़ा आएगा। चलिए चलते हैं और देखते हैं दीदी क्या कर रही है एंड भैया बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज गाइस, अरे सोच भी नहीं सकती थी अभी आज ही ऐसा हो जाएगा। ये इन लोगों के करामात है, इन लोगों की इतनी तबीयत खराब हमारी। मुझे बहुत खुशी हो रही है लेकिन मेरे चेहरे से दिख रही नहीं होगी क्योंकि तबीयत तो उस पर भारी है। और वो साड़ी इतनी सुंदर है ना, मैं अभी ओपन करके दिखा नहीं रही हूँ, ऊपर से तो कुछ भी नहीं समझ में आता उसमें। वो साड़ी बहुत ज्यादा सुंदर है, तो जैसी चाहिए थी इनको अकॉर्डिंग टू हर बिल्कुल वैसी साड़ी। आपके बर्थडे में पहन लूंगी, ठीक है? मेरे बर्थडे में साड़ी भैया साड़ी पहनने को बोल तो था। रिएक्शन चेंज होता है, साड़ी ना मुझे सिर्फ फेस्टिवल पे अच्छी लगती है, बाकी टाइम पर तो बिल्कुल वेस्टर्न वेयर ही। मुझे तो आंटी बना देते हैं। तुम सोच होती हो ना तो तुमको भी लगता है कि तुम्हारे लिए भी लगता है कि तुम भी मतलब ऐसे कुछ पहनो भी थोड़ा अच्छा लगे। मम्मी लोग साड़ी पहनती तो मम्मी लोगों के ऊपर ठीक लगता है, और आजकल तो हम लोग मम्मी लोगों को भी सूट ज्यादा प्रेफर करवाते हैं। इसलिए मैंने अभी करवा चौथ में मम्मी के बर्थडे के मतलब बर्थडे के हिसाब से मैंने सूट लिया था कि वो बर्थडे में सूट पहन लेंगी, और मम्मी का ग्रे कलर की साड़ी लेने का मतलब, हालांकि है भी हम फिर लेंगे थोड़े दिन बाद, बट अभी हम मैंने सोचा कि जब तक के लिए सिंपल तो ले ही ले। तो कल दिख गई वो अच्छी सी लगी हमें, तो हमने सोचा ले लेते हैं, है ना। हमारा ब्लॉग भी आउट हो चुका था और स्टोरी पर भी मेंशन नहीं कर पाए थे क्योंकि ये सो गई थी और मैं चला गया था, तो अभी मैं जस्ट वही शेयर कर रहा हूँ। एंड इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक गाइस, क्योंकि अब इन्हें भी रेडी होना है, मुझे भी रेडी होना है एंड ऊपर की भी प्रिपरेशन करना है क्योंकि लाइट्स वाइट्स कुछ भी नहीं लगी है और अंधेरा हो चुका है। मतलब तो मैं सेट करके आ गया था पर कनेक्शन करना बाकी है, तो अभी जाकर वो कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला ब्लॉग आएगा मैं आपको पूरी रेडी दिखूंगी एंड पूरा करवा चौथ स्पेशल। हालांकि पिछले वाले ब्लॉग में भी मैंने यही बोला है, मुझे नहीं पता था कि फिर से ऐसा कुछ सरप्राइज मुझे मिलेगा एंड वन मोर ब्लॉग ऐसा आएगा सरप्राइज वाला। तो अब जब मैं नेक्स्ट मिलूंगी तो पूरा रेडी होके मिलती हूँ। बाय बाय।